नमस्कार साथियों, अभी हम हैं नागपुर में और अभी हम ड्रैगन पैलेस के ही पास में एक स्तूप बना हुआ है यहाँ पर हैं। इसके अंदर बहुत एक बड़ी बाबा साहब की स्टेचू है। तो उसके बाद हम आगे निकलेंगे नागलोक। आप लोग वहाँ का पूरा इस सीन देख सकते हैं। अभी यहाँ पर अशोक का स्तंभ बना हुआ है, चार शेर हैं ऊपर आप देख रहे हैं, जो एक राष्ट्र का प्रतीक भी माना जाता है। तो आप लोग बने रहें, इसके बाद नागलोक जाएंगे और वहाँ पर क्या है और बाबा साहब के जीवन काल में जो जो भी चीज़ें घटित हुई हैं वो सारी चीज़ें फ़ोटो के माध्यम से आप देख पाएंगे। और बने रहें लास्ट तक। यहाँ भी उन्होंने बना रखा है, ये भी उन्होंने बनवाया ड्रैगन पैलेस। और उधर वो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कहाँ? यहाँ यहाँ पर साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए हैं
वो सारी तस्वीर सहित और यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। अगर किताब पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, उनके जीवनी को जानने का टाइम नहीं है, तो ये चीज़ें जान के भी आप काफ़ी चीज़ें कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि बहुत काफ़ी तो नहीं कर सकते हैं, उनके जीवन का इतिहास बहुत बहुत बड़ा इतिहास है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पुण्य भूमि में हम आए हैं नागपुर की। तो हर एक राज्य से यहाँ पर लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक जगह का खान पान अलग होता है। तो यहाँ पर हम जब शुरू में आए और यहाँ का खान पान, वेशभूषा और बोली भाषा सब अलग होती है, मगर सभी के दिल में एक भारत के संविधान के प्रति एक बहुत बड़ी, बाबा साहब के प्रति एक श्रद्धा है और गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा है। तो इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं शांति की तलाश में, जो उनके बताए हुए मार्ग में, और चलने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। हर एडमिशन के वक्त थोड़ी फीस ली जाती है, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे यहाँ से कॉलेज की भी पढ़ाई होती है, धमकी भी पढ़ाई होती है, स्कूल भी होता है, सब हो जाता है। कितना बड़ा बच्चा? 8 साल से। 8 से 14 साल। 14 साल। विवेक श्रामनेर, मतलब भिक्षु नहीं हूँ, श्रामनेर कभी भी छोड़ सकते हैं और टेम्परेरी देते हैं, लेकिन अपने को भिक्षु बनना होगा, मतलब उम्र के 20 साल बाद एक उपसंपदा विधि होती है, फिर तब मैं वहाँ पे पास हुआ तब मैं भिक्षु बन जाऊंगा। चलिए बढ़िया है। या।